हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ चावल के आटे का बहुत ही स्वादिष्ट, आसान और हेल्दी चीले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं चावल के आटे का ये बहुत ही स्वादिष्ट चीला बनाना। चावल के आटे का चीला बनाने के लिए एक बड़ा बोल लिया है मैंने, और इसमें मैंने डाला है 1 कप के करीब चावल का आटा, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब दही, और साथ में डाल लेंगे 1/2 कप ही पानी, और मिला लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे मिला देना है। तो मैं इसमें पानी और डाल रही हूँ, अभी मैंने 1/2 कप पानी का यूज़ किया है, 1/2 कप मैं और डाल रही हूँ क्योंकि चावल के आटे में काफ़ी सारा पानी लगता है। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ, और यहाँ पर चावल के आटे का ये बैटर बनके तैयार हो गया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब पानी यूज़ किया है, 1 कप चावल का आटा है और 1/2 कप दही है, और इस बैटर को हम रख देंगे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये चावल का आटा अच्छे से फूल जाए, सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके चीले बनाएंगे। तो मैं इसे रख देती हूँ ढककर। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह पे आप नॉर्मल चावल ले सकते हैं। 2 से 3 घंटे उसे पानी में भिगोइए और उसके बाद ग्राइंडर जार में डालकर उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो इसी तरीके का बिल्कुल पेस्ट तैयार हो जाएगा, और उसमें फिर दही मिला लीजिए तो बिल्कुल सेम पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे रख देती हूँ ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं चावल के इस बैटर को रखे हुए, और अब इसमें हम डालेंगे बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप के करीब चॉप किए हुए प्याज, तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, मैं इसे चॉप करके डाल रही हूँ। 1/2 कप ही चॉप किए हुए टमाटर, तो इसे भी आप बारीक करके ही डाल सकते हैं, और साथ में डाल रही हूँ 1 कप के करीब बॉयल आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है, चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और इसमें डाल लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटे हुए, साथ में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर मैं नमक डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच के करीब, तो यहाँ पर मैंने नमक डाल लिया। साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स, चाहे तो आप लाल मिर्च के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। और डालेंगे इसमें जीरा, तो साबुत जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब, और अब सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेना है। इसमें आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं और कोई सब्जी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ आलू डाला है मैंने यहाँ पर, प्याज टमाटर बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने ये चावल और आलू का बैटर बना के तैयार कर लिया है, तो बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखेंगे इसकी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ। अगर आपका बैटर ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला के इसे पतला कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, और गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है, और चलते हैं अब आगे के प्रोसेस में। और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी, और अच्छे से इसे फैला लेना है। और पैन को मीडियम गरम करना है, और ये चीले का बैटर हम डालेंगे तवे पर इस तरीके से। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा मैं छोटा ही छोटा बनाऊंगी। आप अपने जरूरत के अनुसार, पसंद के अनुसार इसे इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे फैला देंगे और ढककर पकाएंगे ताकि चीला हमारा जल्दी से पके। तो 2 से 3 मिनट इसे एक तरफ से ढक के पकाएंगे, 2 से 3 मिनट एक तरफ से, इस तरीके से इसे फैला लेना है। और यहाँ पर मैं ढक दे रही हूँ इसे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है हमें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब चीले को पलट लेते हैं, और देखिए किनारों पे बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं चीला ही हमारा। और इसे पलटेंगे सावधानी से, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिक गया है चीला। इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा पक जाए ये। और यहाँ पर ये चीला हमारा दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसके ऊपर, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और दोबारा से पैन में 1 चम्मच के करीब हम घी डाल लेंगे, फैला लेंगे इसे अच्छे से, और जो हमने बैटर बनाया है वो डालेंगे। एक बार बैटर को अच्छे से मिला लेना है, फिर डालना है। तो
तो इसी तरीके से सारे चीले हम बना लेंगे। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ 2 मिनट के लिए। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसी तरीके से सारे चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे चीले तैयार हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो इस तरीके से चावल के आटे के चीले की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच बॉक्स के लिए बनाइए या फिर कभी भी बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।